হ্যালো গাইস, হোয়াট ইজ আপ? ওয়েলকাম টু স্পোর্টস বাইটস চ্যানেল। তো আমরা আবার চলে আসলাম আর একটা নতুন লাইভ অনুষ্ঠান নিয়ে। তো যেরকম কথা দিয়েছিলাম যে এক্স ইন্ডিয়ান প্লেয়ার এবং মোহনবাগান এক্স প্লেয়ার মিকি ফার্নান্ডেস আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছে আজকে। তো দেখতেই পাচ্ছ, হ্যালো মিকি স্যার, গুড আফটারনুন, এই গুড সরি নো প্রবলেম, নো ইস্যু, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, ওকে ওকে গুড তো ইভিনিং। গুড ইভিনিং। তো সবি আয়ে আর হম হামারা লাইভ মে জয়েন করে, তো হম লাইভ কন্টিনিউ করেঙ্গে, স্টার্ট করেঙ্গে। তো আপ কেসে হো? ফার্স্ট অফ অল আপ কেসে হো? হ্যাঁ আমি ঠিক হুম, থ্যাংক ইউ ভেরি ওকে মাচ। ওকে গোয়া প্রো লিগ মে আপকা টিম বহুত আচ্ছা পারফর্ম কর রহা হ্যায়, হম দেখ রহে লাইভ ম্যাচেস দেখ রহে, বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। हमारे हमारे यहाँ से एक दो प्लेयर आपके वहाँ पर है, तो अच्छा लग रहा है। आप गोवा प्रो लीग में कोरोना के बाद अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, अच्छा खेल रहे हैं सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अभी सब थोड़ा स्टार्ट करते हैं डिस्कस। सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए कि क्या फुटबॉल তো কেটে গেল কথাটা, আবার বল। ফির সে বলু ক্যা স্যার? হ্যাঁ 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 বুঝতে শোনা যায়নি। হ্যাঁ 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 তো স্যার কোয়েশ্চন এই হ্যায় যে কব সে ফুটবল স্টার্ট কিয়া, কিছ এজ গ্রুপ সে আর কব সে খেলনে লাগে? আচ্ছা, স্টার্ট কিয়া বচপন সে, এজ অফ 14। আচ্ছা 14 সে। হ্যাঁ, আর কাহা কাহা সে স্টার্ট কিয়া থা? স্কুল মে স্টার্ট কিয়া, উসকে বাদ সেজা একাডেমি জয়েন কিয়া। ওকে আচ্ছা, গ্রেজুয়েট হোকে আফটার 3 ইয়ার্স কলেজে ঢুকে গিয়া বাদ। তো স্যার আপ জব ফুটবল স্টার্ট কিয়ে থে পেলে কি ফুটবল ক্যা উসকে পেলে আপ অর কিসি খেল মে ইন্টারেস্ট থা, ফির ফুটবল মে আয়ে, এসা কিছু হুয়া? नहीं 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 क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में ना, मेरी मम्मा, मेरा आंटी जो है वो सब फुटबॉल फुटबॉल ही खेलते हैं फैमिली में, इसलिए वो लोग को देख देख के मैं वो लोग को फॉलो किया। अच्छा, तो आपके तो फैमिली सपोर्ट फैमिली बहुत अच्छा सब था? क्या? हाँ फैमिली सपोर्ट आपके बहुत अच्छा था। फैमिली सपोर्ट सिर्फ मेरा मामा जो मेरा अंकल है ना, वो लोग से सपोर्ट था, लेकिन मेरा पेरेंट्स था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था मुझे। ओके, तो कब से उनका सपोर्ट मिला, कब से जब भी उनका सपोर्ट मिला? प्रोफेशनल फुटबॉल स्टार्ट किया तब से वो लोग सपोर्ट करने लगे। तो एट एज ऑफ ओके इंडिया टीम में ज्वाइन हुआ ना, तब से ओके ओके इंडिया अंडर आया मुझे, तब से वो लोग सपोर्ट करने लगे। पहले शायद वो लोग को भरोसा नहीं था मेरे ऊपर। ऐसा ही हुआ। तो सर फर्स्ट प्रोफेशनल क्लब इन गोवा कौन सा था आपका? फर्स्ट प्रोफेशनल क्लब मेरा सालोंगर था, सालोंगर। अच्छा, तो उसके बाद क्या चाटशील पे गए? नहीं, आफ्टर सालोंगर मैं स्पोर्टिंग क्लब भी गया, स्पोर्टिंग। अच्छा, तो वो जो जर्नी आपने स्टार्ट किया था तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए, प्रोफेशनल जर्नी हाँ जो स्टार्ट किया था। अच्छा, प्रोफेशनल जर्नी मैंने 3 साल फैजा एकेडमी में था, वहां से ट्रेन होके सालोंकर गया। उसके बाद सालोंकर सालोंकर में 5 ईयर सालोंकर में था मैं। उसके बाद स्पोर्टिंग, और स्पोर्टिंग से डायरेक्टली मोहन बगान, वो तो मेरा ड्रीम था मोहन बगान। तो मोहन बगान पे बात पे आते हैं, तो जब भी आप यहीं पर खेल रहे थे तो मोहन बगान में जब आपको कॉल किया तो कैसा फीलिंग था, वो जो बता दीजिए, कुछ फीलिंग कैसा लग रहा था? एक्चुअली मैं वो वेट कर रहा था वो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, तो वो कॉल आया। एक्चुअली जब मैं सालोंकर में था तब से 2-3 साल कंटिन्यूअसली ऑफर आया था मुझे, लेकिन क्या था मेरा कॉन्ट्रैक्ट था सालोंकर में, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा मैं आ नहीं पाया उधर। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हुआ हाँ हाँ चला गया।
अच्छा, तो मोहन बागान पे आप जो जब थे तो हमने देखा कि आप डार्बी भी खेले थे, तो डार्बी का एक्सपीरियंस कुछ बता दीजिए। ईस्ट बंगाल मोहन बागान जो डार्बी होता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस ना एक्चुअली शब्द से हम लोग ये नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस, वो जब मैच में उतरते हैं ना उधर, उस टाइम गूज बम्प निकलते हैं क्राउड, अच्छा सेम थिंग क्राउड लोग को भी वही वही होता है, तो भी तो सर आप जब फील्ड पे उतरे तो कुछ नर्वसनेस लग रहा था कुछ, इतना क्राउड का प्रेशर है? उस टाइम तो लग रहा था, जब हम लोग ग्राउंड पे उतर रहे थे उस टाइम लग रहा था, लेकिन एक बार ग्राउंड पे उतर तो वो सब चला जाता है, एक बार ग्राउंड पे स्टार्ट होता है, लेकिन अंदर टनल आता है ना, टनल पे जब घुसता है ना तो बहुत नर्वसनेस हाँ आता है तो ऐसे। आप गोवा के संतोष ट्रॉफी कैप्टन भी थे, तो संतोष ट्रॉफी खेले गोवा के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा? हाँ ठीक था, गोवा टीम मतलब क्या बताऊँ मैं, एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन वो अच्छा लगता है, वो अलग ही फीलिंग रहता है लीड करना गोवा टीम, क्यों सबसे लग्जरी नहीं मिलता। हाँ एवरी टाइम वो लग्जरी मिलता नहीं किसी को, तो अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। हाँ। तो आपने फेडरेशन कप भी खेला है, तो फेडरेशन कप किस टीम से हुआ करते थे तभी? किस टीम से खेलते थे आप? फेडरेशन कप, फेडरेशन हाँ कप में उस टाइम तो सब सालों से खेला, बाद में स्पोर्टिंग अच्छा खेला, में खेला सचिन में लोग जीत गए थे, सचिन में खेल में से सब तो सर एक बात बोलिए, वो मोहन बागान ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट खेला, तो तब कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट। जो हमारे यहाँ पर डर्बी, बहुत बड़ा डर्बी होता है, बंगाल का और इंडिया का बहुत बड़ा डर्बी होता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ना सर ने बताया, बताया वो बता दीजिए, सर ने बता दिया। ओके ऑलरेडी, ओके बता नहीं आएगा यहाँ, लेकिन वो किसी को आएगा नहीं, जब तक तू खेलेगा नहीं वहां पे तो वो आएगा नहीं किसी को। हाँ। तो सर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट खेलने में कितना तकलीफ है? कुछ तकलीफ होता है? कुछ प्रेशर रहता है? मोहन बगान की तरफ से खेलने के लिए हाँ नहीं, उसमें और नहीं। सालगांवकर गोवा लीग के, जब आप हाँ गोवा पे थे सालगांवकर बोलो, जब फेडरेशन कप पे, तो मोहन बागान के अगेंस्ट आप खेले थे ना, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट, तो उसका ही एक्सपीरियंस पूछ रहा था। एक प्लेयर का क्या होता है, और भी एक बिगर टीम ना, जो बड़ा टीम होता है ना, वो लोग को प्रूव करना है कि भाई भी अच्छा, और वो कहाँ बड़ा टीम है ना उसके साथ ही ज्यादा होता है, जैसे कि मोहन बागान ईस्ट बंगाल हो गया, डेम्पो हो गया, बड़े टीम होते हैं ना वो लोग के साथ होते तो आपको इंडिया टीम में कब कॉल आया? इंडिया टीम में आपको जाना है, ये कॉल आपको कब आया? हैं। इंडिया टीम में सर नईम था उस टाइम दिल्ली में, तो उस टाइम कॉल आया मुझे, तो मैं सालोंकर में था उस टाइम, सालोंकर में थर्ड सीजन में था, मैं 2005 में था वो, तो उस टाइम आ गया मेरे को। कनाडा अच्छा, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ बता दीजिए। आप कनाडा में गए थे, दो मैच खेले भी, तो उसका इंडिया टीम के होकर खेलना एक अलग ही बात है इंडिया टीम में, तो एक्सपीरियंस अगर कुछ बता देंगे। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं फुटबॉल स्टार्ट किया ना, तब से मेरा टारगेट रहता कि मैं इंडिया को खेलेगा ही खेलेगा, जब कोई भी जो यंगस्टर जो फुटबॉल स्टार्ट करता है ना, कुछ भी स्टार्ट करता है ना, तो टारगेट रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, टारगेट नहीं रहा ऐसे ही खेलने का मतलब नहीं है, तो मेरा वो खेलने का वो टारगेट था पहले पहले से, जब तो मैं इंडिया को खेलेगा तभी तो मैं ठीक है मेरा वो फुलफिल होगा, नहीं तो नहीं। तो एक बार कॉल आ गया मुझे इंडिया टीम में, तो मुझे वो मतलब महसूस होने लगा कि हाँ ठीक है चल, जो मैं हार्डवर्क इतना कर रहा हूँ तो आ रहे उसका फ्रूट मिल रहा है मुझे, मुझे।
आ गया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट टाइम जब आ गया, और अच्छा लगा लेकिन इट्स अ गुड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो सर अभी तो अभी कोचिंग कर रहा है, तो खेलने के बाद ये कोचिंग में आना, ये क्या खुद का कोई मतलब कैसे आए, लेकिन खेलने के बाद कोचिंग आए, खुद का कोई इच्छा था, कुछ विश था कि नहीं पहले मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं कोचिंग करेगा। इसके बाद एक बार खेला छोड़ गया ना, मैं सोचा नहीं था कि मैं कोचिंग करेगा। तो क्या हो गया, वास्तव में मेरा कोच था इधर मिस्टी का बोलती कोच था, उसने मुझे ऑपर्चुनिटी दिया कि भाई आ जाओ इधर असिस्टेंट कोच प्लस प्लेयर बनने के लिए। तो वो मुझे ये किया कि दिखाया कि भाई हाँ तेरे पास ये है तो कर सकते हो, कैपेबिलिटी है कोचिंग का। तो उसके वजह से मैं इधर कोचिंग पे आया, इबन की वजह से। इबन भी तो भास्को एफसी क्या आपका फर्स्ट क्लब है कोचिंग का? हाँ प्रोफेशनल कोचिंग का तो वास्तु वास्तु फर्स्ट क्लब है मेरा। अच्छा अच्छा और अच्छा हाँ बताइए। नहीं और एक फर्स्ट डिवीजन में कोचिंग किया, लेकिन वो ऐसे ही दोस्त का ही टीम था मेरा, लेकिन वो क्वालिफाई भी हुआ उस दिन। उसको मतलब दोस्त का था वो, हाँ ऐसा नहीं हाँ हाँ दोस्त के नाम से, और क्वालिफाई भी किया प्रो लीग में क्वालिफाई भी मैंने। तो अभी तो आप कोचिंग कर रहा है, तो भास्को एफसी में कोचिंग किया, अभी तो कल आपने जीते भी, 3 पॉइंट लाया आपने टीम के लिए, तो कैसा रहा इस साल गोवा प्रो लीग आपके लिए? अभी एंड नहीं हुआ, तो अब तक कैसा रहा? अब तक तो सब ठीक चल रहा है। कि अभी देख अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हम लोग खुश है, मतलब मैं नहीं पूरा प्लेयर ये खुश नहीं बोल सकता। टारगेट अभी तक हुआ नहीं कुछ, ये तो सिर्फ। तो मैं बोलूंगा कि हम ठीक है, ठीक जा रहा है, बट स्टिल भी नहीं तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि वो ये करेंगे, इतना ही ठीक मत। और इस बार क्या हुआ ना, आफ्टर 15 ईयर्स हम लोग का वास्को का टीम टॉप पे आया है फर्स्ट टाइम आफ्टर 15 ईयर्स। तो वो भी बहुत ये रहता है, वो सब हार्ड वर्क के ऊपर है वो प्लेयर लोग का। तो प्लेयर लोग का अभी कैसा फिटनेस है आफ्टर कोरोना, आफ्टर बहुत दिन के बाद अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, तो फिटनेस का कुछ इशू हो रहा है क्या लगता है आपको? फिटनेस का तो बहुत इश्यू चल रहा है, क्यों देख कोरोना कोरोना का दिन में बहुत प्रॉब्लम हुआ, सब रेस्ट में था, कुछ नहीं कर सकता था ऑन फील्ड, कुछ नहीं कर सकता, घर में बैठा हुआ था सब लोग। और उसके बाद जब स्टार्ट हो गया हम लोग का ये गोवा लीग का स्टार्ट हो गया, तो वो लोग का जो 1 महीने में स्टार्ट करने वाला था हम लोग पहले इनिशियली ना ये तो 1 महीने में गोवा लीग स्टार्ट है, तो 1 महीने में प्रिपरेशन वेरी मुश्किल है, नहीं हो सकता था। तो थोड़ा कम टाइम था, और क्या हो गया 1 महीने में प्रिपरेशन थोड़ा हड़बड़ी हुआ, थोड़ा फास्ट फास्ट करने के लिए गया, तो इसलिए थोड़ा इंजरीज भी सब सब टीम के लिए इंजरीज भी होना, सब प्लेयर को थोड़ी थोड़ी इंजरीज तो हर प्लेयर का एक आइडल रहता है, तो आपका फुटबॉल करियर में आइडल कौन था जिसको देख के आप प्रिपरेशन लेते थे? मेरा तो आइडल है ज्लाता नहीं इब्राहिमोविच, जलतन को पहचानते हैं ना। हाँ, पहचान। तो मेरा ज्यादा नहीं। अच्छा, तो सर अभी कोचिंग तो किया है, तो गोवा प्रो लीग अभी हो रहा है, उधर आईएसएल भी हो रहा है, तो एक बात पूछते हैं कि हम तो यहाँ बंगाल में फुटबॉल को लेकर काम कर रहा है, तो गोवा में फुटबॉल को लेकर क्रेज कैसा है बता दीजिए कुछ? बंगाल में जैसा क्रेज है गोवा में भी वैसा क्रेज है फुटबॉल को लेकर? और एक बार बता क्या। बंगाल में जैसा फुटबॉल को लेकर क्रेज है इतना, तो गोवा में भी कि उतना क्रेज है फुटबॉल को लेकर? क्रेज तो है गोवा में, लेकिन कैलकाटा के जैसे बंगाल के जैसे क्रेज नहीं, उतना नहीं है, है अच्छा एक क्रेज। जा, तो सर अभी निकल गया है, शायद कुछ देर में आ जाएंगे।
हेलो। सर ठीक है ना? हाँ, आवाज आ रही है ना? अच्छा हाँ, अच्छा रहा है। तो अभी आपने क्या देखा, जो इंडिया टीम सिलेक्ट हुआ है अभी, आपने देखा क्या? अभी जो निकाला नहीं। हाँ नहीं देखा, ठीक है वो रखते हैं। तो अभी तो आपका गोवा के बात करते हैं, ऐसा कोच आपने गोवा का लड़के को कैसा मोटिवेट करते हैं अभी? एज अ कोच ना, मुझे पहले उन लोग को बिलीव करने का सिखाता हूँ। पहले मैं मतलब यू हैव टू बिलीव इन योर कैपेबिलिटी फर्स्ट। समझो, आपने आप पे विश्वास नहीं होगा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो अप एज अ फुटबॉलर। तो मैं वो सिखाता हूँ। और मेरे हिसाब से ना, डिसिप्लिन इज अ फर्स्ट थिंग। डिसिप्लिन नहीं रहता है ना तो आदमी कहाँ किधर भी नहीं जाता। सो मैं ज्यादा ये होता हूँ डिसिप्लिन के ऊपर। हाँ, ये सब मुझे ना ज्यादा से सालोंकर टीम में ज्यादा ये किया मैंने। वो फॉलो करता हूँ मैं फ्रॉम सालोंकर। ओके। तो भैया तो सर इस, हाँ बोल। तो भैया, तो हम देखते रहे कि गोवा में बहुत सारे ग्राउंड्स है, गोवा प्रो लीग हो रहा है, ऊपर आईएसएल भी हो रहा है, और बहुत सारे टीम है जो खेल रहे, आई लीग में खेल रहे। बहुत सारे, पहले की बात करते थे जब आप खेलते थे, बहुत सारे टीम आई लीग में खेलते थे, उसमें से डेम्पो 5 बार चैंपियन हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि गोवा में थोड़ा सा फुटबॉल का क्रेज कम हो गया? फिर आज जब आईएसएल स्टार्ट हुआ, फिर एफसी गोवा आया, तो और एक बार गोवा में फुटबॉल का क्रेज और फिर से स्टार्ट हुआ। उस फ्रेज में क्या हुआ था कि गोवा में थोड़ा सा लैक ऑफ फुटबॉल कम हो गया था? डेम्पो आई लीग से चला गया, बहुत सारे टीम आई लीग की, सलगांवकर आई लीग से चला गया, क्या हुआ था वहाँ उस टाइम पे? उस टाइम अचानक क्या हो गया, दो तीन टीम वो आई लीग से बाहर निकल गया। तो डेम्पो डेम्पो भी निकल गया, स्पोर्टिंग भी निकल गया, सालोंकास भी निकल गया। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ गोवन प्लेयर्स के ऊपर और गोवन फुटबॉल के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम हो गया इधर। तो अभी तो आई लीग पे चर्चिल ब्रदर्स तो पहला नंबर पे है, तो क्या लगता है आई लीग जीतेगा चर्चिल ब्रदर्स? चर्चिल ब्रदर्स एक्चुअली मेरे घर का टीम जैसा है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी जीतना है। और मुझे लगता है कि आई लीग चांसेस बहुत है चर्चिल ब्रदर्स। तो মোহামেডানের নেক্সট ম্যাচ 5 তারিখে আছে। তো আই লিগে ক্রেজ এখানে মোহামেডানের জন্য। তো মে বাতা রা হু আপকো মিকি ভাইয়া কি ইয়া পর মোহামেডান খেল রা হ্যায়। তো আই কলকাতা মে মোহামেডান কে লিয়ে বহুত ক্রেজ হ্যায়, লোগ পাগল হো রহে কি স্টেডিয়াম মে যায়ে কি খেলা খেলা দেখে, মোহামেডান কা সাপোর্ট করে, বাট এসা নেই হো রা ইস বার। তো উনকো বহুত দুঃখ হো রা হ্যায়। তো বহুত সারে হামারে লাইফ মে सर কোশ্চেন রা আতা হ্যায় কি आपका गोवा মোহামেডান प्रो কা लीग গেম में কাম করে। क्या হ্যাঁ বল বল বল। सर गोवा प्रो लीग के अंदर क्या स्टेडियम में दर्शक अलाउ है? नहीं, ज्यादा अलाउड नहीं है। सिर्फ ऑफिशियल लोग को थोड़ा थोड़ा अलाउ है, मतलब एक 7-8 लोग नहीं, अलाउड। हम लोग देख रहे थे आपके उधर, वो जो रोड है ना, रोड के ऊपर से कोई देख रहा है, कोई घर के ऊपर से देख रहा है, तो हमने ऐसे ही हाँ पूछा। हमारे इधर भी हाँ ऐसा होता है, कोई ट्री के ऊपर से देखता है, कोई लाइट पोस्ट के ऊपर से देखता है। स्टेडियम स्टेडियम में और कुछ नहीं कर किसी सकता, को नहीं लोगों दूर को रहे। देखना है। स्टेडियम के हाँ स्टैंड के क्रेज अंदर है। किसी को घुसने को नहीं दे रहा है। हाँ, क्रेज है, लोग आता है इधर उधर से देखना चाहता है, लोग रोक नहीं सकता वो लोग को। हाँ, आईएसएल के जैसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उधर, लेकिन कोई एंट्री नहीं है उधर, क्या करे अभी कोरोना के वजह से तो सब। हाँ, तो निकी तो भैया, एक एक क्वेश्चन है कि जब से आईएसएल स्टार्ट हुआ है, आपको क्या लगता है फुटबॉल का ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंडिया में? प्लेयर्स का मोटिवेट हो गए कि आईएसएल की जैसे स्टेज में खेलने की मौका मिल रहा है, आई लीग से आईएसएल में बहुत सारे प्लेयर जा रहे हैं, कि एक मोटिवेटेड के स्टेज बन गया है आईएसएल? टू बी हॉनेस्ट ना, जैसे कि पहले हम लोग का इधर गोवा में टीम था सालोंकर, डेम्पो, स्पोर्टिंग, चचिल और कौन था, सालोंकर था। तो उस टाइम क्या था, बहुत सारे लड़के लोग को चांस मिलता था खेलने के लिए।
अभी गोवा में सिर्फ एक टीम है एफसी गोवा, और उसमें कितना लड़के है, एक 5 या 6 लड़के हैं, तो आप बताओ मुझे कहां से ग्रोथ हो रहा है गोवा प्लेयर का, कहां से ग्रोथ हो रहा है? ओके लग रहा है आपको ग्रोथ हो रहा है? तो आप क्या बोल रहे हैं कि डेम्पो सलगांवकर जैसे टीम को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेज बन गया है कि आईएसएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे आई लीग है, उसके नीचे सेकंड डिवीजन आई लीग है, तो बहुत सारे टीम बढ़ाना चाहिए एआईएफएफ को। क्या एआईएफएफ का भी जिम्मेदारी है कि आईएसएल में जाने के लिए प्लेयर को जाने के लिए गोवा हो वेस्ट बंगाल हो, बहुत सारे टीमों को आई लीग आईएसएल में पहुंचाना, ये क्या एआईएफएफ का जिम्मेदारी है? एक्चुअली वो सब वो लोग का डिसीजन है, वो मैं कुछ ये नहीं कर सकता, और लेकिन लेकिन फिर भी थोड़ा फुटबॉल ग्रोथ के लिए और कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अभी भी लग रहा है स्टिल हम लोग को बहुत सारा ये करना है, ठीक है, क्यों टीम्स बहुत सारा टीम्स है जो जैसे कि डेम्पो मोन ए हो गया, बहुत सारा टीम्स है, प्लेयर्स लोग ऐसे ही प्रोफेशनली खेलता है खत्म होता है, आगे नहीं जा पाता है, क्यों अभी देख पहले कैसा था, डायरेक्टली क्लब से ऑफर आता था, अभी क्या हो गया, मिडलमैन हो गया, एजेंट्स हो गया, अभी एजेंट्स लेता है और एजेंट से जाता है, थ्रू जाता है, ऐसा नहीं होता है कि प्लेयर का कैलिबर देख के लिखे जाता है, नहीं, एक बार आई लीग देख लिया तो ठीक है, इधर प्रोफेशनल लीग में बहुत सारा अच्छा प्लेयर्स है, वो लोग को चांस नहीं मिल रहा है, कोई देख रहा है कि नहीं, वो लोग को सिर्फ एक एजेंट पकड़ेगा, अच्छा एजेंट है तो ठीक है, वो लोग को चांस मिलता है, नहीं तो नहीं, वो बेचारे उधर ही ऐसे ही रहते हैं, समझ रहे क्या बोल रहा मैं? तो भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आईएसएल वर्सेस आई लीग व्हिच इज बेटर फॉर यू? शायन पॉल क्वेश्चन है बोले थे, मैं तो आपको बोलेगा आई लीग, आई लीग क्यों? क्योंकि आई लीग से बहुत प्लेयर आईएसएल जाते हैं, इसीलिए आप आई लीग बोले? नहीं इसलिए नहीं कि देख पहले कैसा था, आई लीग में सिर्फ 3 फॉरेनर के ज्यादा, और इंडियन प्लेयर को कितना मौका मिलता था पहले, मौका मिला था पहले इंडियन प्लेयर को मौका मिला था, अभी क्या हो गया, 5 फॉरेनर हो गया, कितना लोग को चांस मिलता अभी, बहुत कम हो गया, तो ये वो थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए फॉरेन प्लेयर्स ना, इंडियन प्लेयर को ज्यादा मौका मिलना चाहिए, जो भी है आई लीग या आईएसएल थोड़ा ज्यादा एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग को अच्छा अच्छा फॉरेनर डाल दिया, 5-6 कर दिया, अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट किधर है, इंडियन प्लेयर का डेवलपमेंट भी होना है ना। या कोरोना की वजह से सर सुन पा रहा है? हाँ बता क्या बोला। हाँ बता रहा है कि इस साल आपके टीम में कोई फॉरेनर नहीं है, तो कोरोना की वजह से क्या इंडियन प्लेयर का डेवलपमेंट के लिए आपने नहीं रखा? एक्चुअली आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे अभी और फॉरेनर नहीं चाहिए टीम में, मुझे सिर्फ इंडियन प्लेयर को डेवलप करना है, मेरा देख अभी 2-3 प्लेयर सीनियर प्लेयर है, मैं क्यों रखा वो लोग सीनियर को, कि जूनियर प्लेयर है वो लोग को फॉलो करके उस मकान पे पहुंचने के लिए वो लोग को रखा है, वो भी एक ये है, मतलब जैसा कि हम लोग क्या होता है लास्ट सीजन पूरा जूनियर प्लेयर था, सब 20-21 साल का प्लेयर्स था, तो वो लोग का क्या है, कोई सीनियर नहीं रहेगा तब तक वो लोग सीखेंगे नहीं, कोई टीम में सीनियर प्लेयर होना चाहिए, एक आइडल जैसा एक प्लेयर रहना चाहिए, तो इस साल में जोकी अब्रांचिस और फ्रांसिस फर्नांडिस को लिया, तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग के ऊपर सीखता है, वो लोग अच्छे सजेशन देता है, वो लोग को मोटिवेट करता है टीम में, तो वो एक प्लस पॉइंट है हम लोग का टीम में एक्चुअली। ओके ओके ओके
তো দাদা, মানে আজকে আজকে সবাই জানো যে ইন্ডিয়া ফুটবল টিমে 35 জনের স্কোয়াড অ্যানাউন্স হয়েছে। তো ভাইয়া, ইন্ডিয়া কা ফুটবল টিম কা 35 কা 35 লোগো কা স্কোয়াড স্কোয়াড অ্যানাউন্স হুয়া হ্যায়। উসমে সে গোলকিপার পজিশন মে অমরিন্দর হ্যায়, গুরপ্রীত হ্যায়, গুরপ্রীত মেইন গোলকিপার, আর ধীরজ আর বিশাল ক্যাথ হ্যায়, আর আরেকজন কে জানো, ইয়ে শুভাশিস রায় চৌধুরী। শুভাশিস রায় চৌধুরী তো মোহন বাগান কে লিয়ে বহুত আচ্ছা ক্লিন শীট রাখ রহে থে, আর গোল্ডেন গ্লাভস ভি আবি উনকে ব্যান্ড মে হ্যায়, হাত মে হ্যায়। অরিন্দম ভট্টাচার্য, তো অরিন্দম অরিন্দম দা টিম ইন্ডিয়া কে সিলেক্ট নেই হোনে পে বহুত সারে লোগো কা মন টুট গিয়া হ্যায় কি বহুত আচ্ছা পারফর্ম কিয়া হ্যায়। আপনে কিয়া দেখা হ্যায় মোহন বাগান কা গোলকিপিং কা পারফরম্যান্স? মোহন বাগান কা পারফরম্যান্স पर्सनली मैं अरिंदम को पहले से पहचानता हूँ, मेरे साथ खेला भी हुआ। और जैसे कि वो पुराना कंपेयर टू पहले खेल रहा था और अभी खेल रहा था ना, अरिंदम इज फार बेटर, बहुत अच्छे खेल रहा है, बहुत अच्छे कर रहा है अभी वो। तो पता नहीं ये सिलेक्टर का डिसीजन है, हम लोग कैसा बोल सकते हैं, लेकिन इज ए डिजर्विंग। बट ओके, तो এরকম অনেক क्वेश्चन আসছে, তো এই क्वेश्चन গুলোর आंसर আমরা দিয়ে নিচ্ছি। তো तो सर और एक क्वेश्चन है सायन पॉल का, सर आई लीग खेल के इंडिया टीम में जगह नहीं होता, तो आई लीग प्लेयर को क्या कभी भी जगह नहीं मिलेगा इंडिया टीम में? एटा जो आंसर था किछु बोले और एक बार पूछो, क्या बोला? वो बोल रहा है कि सर आई लीग खेल के इंडिया टीम में जगह नहीं होता, तो आई लीग प्लेयर को क्या कभी भी नहीं जगह मिलेगा इंडिया टीम में? वो तो अभी AIFF से पूछना पड़ेगा, वो लोग का सिलेक्शन ये कैसा करेगा वो लोग। हाँ, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम वो होता है। नहीं सर, हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम जब देखा जो टीम सिलेक्ट हुआ ना, ज्यादा प्लेयर ISL से है, अगर आई लीग से दो तीन प्लेयर ले लेते तो आई लीग का भी मोटिवेशन हो जाता ना, आई लीग दलों को, आई लीग में जो टीम खेलता है उसका भी तो मोटिवेशन हो जाता ना, इसके लिए जो कुछ बता दीजिए। एक्चुअली जैसे आपने बोला कि होना चाहिए था, एटलीस्ट एक दो प्लेयर आई लीग से भी निकालना चाहिए, क्यों वो लोग खेल रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, और वो भी आई लीग है, ऐसे नहीं कि सेकंड डिवीजन से बोल रहा हूँ, जो भी अच्छा प्लेयर है उसको तो मौका देना ही देना है, इवन फॉर सेकंड डिवीजन सब एक अच्छा प्लेयर आ रहा है तो क्या है लेने के लिए, क्या है, अच्छा प्लेयर को चांस मिलना चाहिए। क्योंकि ये ISL में जो प्लेयर लोग खेलते हैं वो लोग तो पहले आई लीग ही खेलता था ना, यही लोग समझता नहीं है। हम लोग AIFF को कुछ बोले ये नहीं कर सकते, वो लोग का डिसीजन है। हाँ, तो सर कोचिंग के बाद आप क्या करते हैं? कुछ हॉबीज, गाना गाना कुछ हॉबीज है? ड्रम बजाना, हमने देखा अच्छे वाला ड्रम बजा लेते हैं। सीख रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ ऐसे ही, मतलब क्या होता है म्यूजिक रिलैक्स करता है माइंड को, तो ऐसे सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं। तो कोचिंग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है कि कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ कि अगर आपको लगा कि मैं अगर ग्राउंड में होता तो मैं गोल कर देता, मैं अगर ये क्रॉस डालता तो एक गोल हो जाता, एक एक आपके अंदर होता है कोचिंग करने के पहले, मतलब तब? ये तो मुझसे नहीं, हर कोच जो खेल के गया, जो फुटबॉल खेला ना, उसको होगा ही होगा ये सब। मैं ये जगह पे होता तो मैं मार देता गोल, ऐसा करने वो जगह पहुंचा तो ऐसा क्रॉस मारने है, वो तो होता ही सबको, वो नेचुरल है, वो ये नहीं होता। प्रैक्टिस में आप क्या खेलते हैं भास्को टीम के अगेंस्ट, मतलब कोई फ्रेंडली मैच हुआ कि कुछ हुआ तो खेलते थे? हम लोग सालोंकल लेजेंड्स गेम होता है, सालोंकल लेजेंड टीम होता है, वो सब फ्रेंकी बरेटो, सर ब्रह्मानंद, ब्रूनो कुटिनो, ये सब मिलके, क्लाइमेक्स लॉरेंस, सब मिलके एक एक मैच होता है एवरी ईयर, तो एक खेलते हैं हम लोग। तो सर और एक क्वेश्चन है, आपने हमने देखा कि आप फुटसाल खेले, तो फुटसाल का कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए। हाँ, तो मैं फुटसाल खेलने के लिए ग्रीस गया था इस साल, वो
कुछ वर्ल्ड कप था वो, तो वो लोग का जैसा कि बहुत अच्छा आइडियाज है वो लोग का, जो प्रो टाइप ये था वो लोग का, प्रोफेशनल बेस किया था, बहुत बहुत सारा लोग, बहुत सारा टीम्स आया था बाहर बाहर से, ऑल ओवर वर्ल्ड आया था, और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा लेकिन खेल के, कुछ डिफरेंट है वो फुटसल। तो फुटबॉल और फुटसल मैंने क्या डिफरेंट क्या है उसमें, ज्यादा स्किल होते है फुटसल में, स्किल गेम होता है क्या फुटसल में? फुटसल में जो जिसके पास स्किल है, जिसके पास अच्छा टच है, वो खेल पाएगा। बड़ा ग्राउंड में क्या है, थोड़ा एग्रेसिव खेला, ये खेला अलग बात है, दूसरा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। स्मॉल ग्राउंड में थोड़ा फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो सर आपका गोवा में अभी यूथ डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? फिलहाल तो अभी सिर्फ प्रो लीग चालू है, यूथ का कुछ ये नहीं किया, सब पेरेंट्स, इवन अभी हम लोग को जूनियर प्लेयर्स ना, वो लोग पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस भेजने के लिए, क्यों सबको, सबका मन में डर है वो कोविड कोरोना का डर। तो अभी तक तो अभी उधर क्या है, स्लोली हो रहा है यूथ ले। अच्छा उधर मैंने एज ग्रुप क्या होता है, अंडर 15 अंडर 13 ऐसा एज ग्रुप होता है यूथ लीग के लिए? हाँ होता है। अच्छा होता है, 13 होता है। अच्छा तो अच्छा एक बात बताइए। हाँ बोलो। अच्छा मिकी भैया, आप तो वहाँ पर बहुत सारे गोवा में है के ग्राउंड में खेलते हैं, और जो बीच में खेलते हैं बीच फुटबॉल, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका कोई अलग एक्सपीरियंस है ग्राउंड से? वो आप तो बहुत सारे प्लेयर है कि गोवा में जाकर वो खेलना का वो ड्रीम है कि बीच फुटबॉल बहुत पॉपुलर है गोवा में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप तो बहुत खेले छोटे। बीच फुटबॉल कंपेयर टू बीच फुटबॉल और ग्राउंड फुटबॉल ये टोटली डिफरेंट है। बीच और ग्राउंड में एक ये नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता। उधर बहुत तुझे ताकत चाहिए, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ पे बीच पे भागने के लिए, कंट्रोलिंग भी अलग अलग डिफरेंट कंट्रोल आता है, सो वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है उसमें। अच्छा बीच फुटबॉल खेल के क्या फिटनेस में जोर आता है, फिटनेस में इम्प्रूवमेंट आता है? बहुत आता है, स्ट्रेंथ मिलता है, स्ट्रेंथ फिटनेस स्पीड भी बढ़ सकता है, स्पीड भी बढ़ता है। तो सर एक बात बोलिए, एज अ कोच आप यूथ को ट्रेनिंग करना चाहते हैं या बड़े लोग को ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कौन अच्छा लगता है आपको? मुझे बड़े मतलब थोड़ा सीनियर क्यों, मुझे यूथ के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा क्या हो गया डायरेक्टली आफ्टर प्लेइंग करियर में डायरेक्टली सीनियर प्लेयर। अच्छा तो आप तो आपका फुटबॉल करियर दोनों तरफ से भाग हो गया, एक आपका फुटबॉल करियर और एक कोचिंग करियर, तो कौन अच्छा था, फुटबॉल करियर और कोचिंग करियर कौन सा आपके लिए अच्छा था? मेरा कोचिंग करियर तो जस्ट शुरुआत है, मैं एक स्टेप भी नहीं लिया अभी तक, मुझे बहुत सीखना है और बहुत सीखना है, तो मैं बोलूंगा कि फुटबॉल करियर। अच्छा प्लेइंग करियर आई मीन। तो ऐसा कभी हुआ है कि फुटबॉल में बहुत सारे बार होता है कि बहुत मिस्टेक करते हैं, कोई प्लेयर मिस्टेक करता है, तो आप की ग्राउंड में वो गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं कि ड्रेसिंग रूम में आके एक्सप्रेस करते हैं, कैसा माहौल रहता है ड्रेसिंग रूम का? ड्रेसिंग रूम का क्या रहता है, क्या वो लोग को ऑलरेडी अभी ये सीनियर प्लेयर हो गया तो वो लोग को पहले ही पता चलता है कि भाई मेरा गलती हो गया है, तो वो लोग अपने आप रेक्टिफाई करता है वो, तो मुझे ज्यादा ये बोलने की जरूरत नहीं रहती हो वो लोग को, मतलब ऐसा सीनियर प्लेयर से डांट भी नहीं सकता, आराम से काम ले लेना पड़ता है सिचुएशन। ठीक है। तो सर और एक बात भी है, आप तो बंगाल में मोहन बगान की तरफ से खेले हैं, तो अभी कोचिंग लाइफ में क्या बंगाल में आने का कोई इच्छा है कोचिंग करने के लिए किसी टीम पे?
एक्चुअली मैं क्या बोलता हूँ ना, मेरा सेकेंड होम कलकत्ता है, मैं कलकत्ता में आता जाता रहता हूँ। ओ अच्छा तो हाँ, ओके तो मैं आ सकता हूँ अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे। लेकिन मुझे बहुत कुछ, जैसे मैं पहले बोला, मुझे बहुत कुछ सीखना है और कोचिंग में। आई एम जस्ट अ किड, मैं अभी शुरुआत किया तो यहाँ पर एक नीलांजन आचार्य है जो बोले हैं कि वास्को एससी हैज अ गुड टीम दिस ईयर एंड टॉप ऑफ द गोवा प्रो लीग, विल दे कंसीडर प्लेइंग आई लीग? निलंजन दा। मैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड इन आई लीग को इस साल जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वेरी सुन हम लोग जाएंगे। ओके, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट आपके लिए। तो वन ऑफ द बेस्ट कोच मिकी सर, दीप बनियल, आप क्या पहचानते हैं? हाँ। ओके सर, अभी तो ISL चालू है, तो अभी ट्रेनिंग का कब मिलता है? ट्रेनिंग किस ग्राउंड पे करता है? अभी तो आपका जो होम ग्राउंड है भास्को, वहीं पर तो ISL हो रहा है, तो आप कहाँ पर ट्रेनिंग करते हो? हम लोग तो अभी हम लोग का खुद का ग्राउंड है, खुद का मतलब जो लिया है वो हम लोग, ओ वो वास्को अच्छा में प्रैक्टिस नहीं करते, हम अलग मार्गों साइड करते ओ हैं, अच्छा ओके ओके। साउथ साइड भास्को मार्गों। क्या आपका खुद का ग्राउंड है? मैं टीम का ग्राउंड नहीं है क्या भास्को? ओके नहीं नहीं ओके नहीं ओके ग्राउंड नहीं। नहीं ओके ओके। तो मिकी सर जॉय मोहन बागान, सायन पॉल का कमेंट है ओके जो यहाँ पर मोहन बागान का बहुत बड़ा आप जानते ही है। तो सर अभी तो मुंबई सिटी एफसी और मोहन बागान का वो जो AFC चैंपियंस लीग का जो खिताब है उसका गेम हुआ था, तो मोहन बागान हार गया, तो कुछ दुख हुआ आपको? जब भी मोहन बागान कुछ होता है ना, मुझे भी होता है। जब मोहन बागान जीतता है मैं भी खुश, दिल में मोहन हाँ बागान ही है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो मिकी सर, तो हम बहुत खत्म करने ही वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपका आपके बारे में जान के, और ऑल द बेस्ट आपके गोवा प्रो लीग के जर्नी के लिए। बहुत सारे गेम अभी बाकी है, तो नेक्स्ट प्लान मतलब भास्को के बाद नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? मतलब वास्को को लेके या भास्को को लेके अलग? है, आपका प्लान है कि भास्को के अलावा आपका कोचिंग का प्लान है तो बताइए। हाँ वास्को को, एक्चुअली वास्को को लेके तो मुझे अभी इस साल तो हम लोग सेकेंड डिवीजन का कोशिश कर रहे हैं, सेकेंड डिवीजन जाने के लिए, और देखेंगे क्या होता है आगे। हाँ तो ऑल द बेस्ट, आपके फ्यूचर गोल्स आपके पूर्ण हो, आपका बहुत आगे जाए आपके, और कोलकाता में आए तो हमारे साथ मुलाकात हो, ऐसा ही होगा। तो जरूर थैंक्स अ जरूर, लॉट, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ एक छोटा इंटरव्यू सेशन करने के लिए। बहुत सारे चीज हमको जानने को मिला, तो थैंक्स अ लॉट। और आप कुछ बताना चाहते हैं फुटबॉल के लिए और यहाँ का लोगों के लिए, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए? पहली बात तो मैं यंगस्टर को बोलना चाहता हूँ जो भी फुटबॉल स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे चाहिए वो लोग पहले टारगेट, कुछ एक टारगेट बना ले, जैसे कि मुझे इंडिया खेलना है, और वो टारगेट के हिसाब से हार्ड वर्क करना सीखे। ऐसे नहीं कि एक बार एक क्लब मिल गया और मैं हो गया, मेरा खत्म हो गया, बस ये वो टारगेट नहीं होता। टारगेट होता है एक बार इंडिया खेला, एक बार अच्छा आगे गया, वो टारगेट। और जो भी यंगस्टर्स है वो अभी अभी की क्या हो गया, अभी जमाने में मोबाइल है वो कम यूज करे, अभी ज्यादा ज्यादा ये मत करो मोबाइल पे, फोकस करो। हाँ ऑलवेज यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, ये सब बाद में कर सकते हैं, और हेल्थ भी रखना है, डाइट भी लेना है, वो सब। मेरा सब प्लेयर को ये बोलना है कि टारगेट रखो, कुछ भी जहां भी जाना।
सर वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने जब गेम स्टार्ट किया था तभी से क्या मिडफील्डर खेलते थे, ये बाद में स्टार्ट किया मिडफील्डर खेलना? पहले स्टार्टिंग में स्टॉपर था, पहले बाद में सालों का मैं स्टॉपर था, बाद में राइट बैक खेला, उसके बाद मिडफील्डर खेला, बहुत सारा पोजीशन चेंज किया। अच्छा, पहुंच गए यूटिलिटी, कहां भी खेलता था मैं। अच्छा, कौन सा पोजीशन में बहुत अच्छा लगता था खेलने के लिए? मुझे डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत अच्छा लगता था, डिफेंसिव मिडफील्डर। अच्छा अच्छा, आपका बॉडी भी इतना बड़ा है तो कोई प्लेयर आगे आएगा भी नहीं। आप दोनों तरफ से खेल सकते हैं कि डिफेंस भी कर सकते हैं, अटैक में भी जा सकते हैं, स्ट्राइकर का हेल्प भी कर सकते, तो ऐसा ही। इसीलिए तो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, और जॉय मोहन बगान। जॉय मोहन बगान लास्ट जो कमेंट था, सायन पॉल के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।